कोरोना के कई पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद में लगातार राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो मूवमेंट में आ चुकी है। राजस्थान में 31 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया। वहीं आज जनता कर्फ्यू और जनता कर्फ्यू का भी असर यहां पर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मैं जिस जगह खड़ा हूं वो सीकर रोड है, चौंपुलिया का इलाका, NH 52 इसे कहते हैं। और यहाँ पर जो है लगातार जो एक ट्रैफिक का एक सिस्टम यहाँ पर देखा जाता था, काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर होती थी। और आप देख सकते हैं आज की पूरी जो रोड है वो सुनसान है, कहीं पर भी दूर दराज तक कोई व्हीकल नहीं दिख रहा है। कोई इक्का दुक्के व्हीकल प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर दिखते हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लगातार जो लोग हैं वो काफ़ी देर से यहाँ पर बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि किस तरह का लॉकडाउन का असर यहाँ पर देखते हैं। आपको कहाँ जाना था? शिकर। तो आज आपको पता था कि लॉकडाउन है, किस तरह से कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से हैं जी। बिल्कुल, देखिए तो ये जो सभी लोग हैं दूर दूर से आए हुए हैं और अहमदाबाद से आए हुए हैं और बता रहे हैं कि जो उनको सीकर यहाँ से जाना है, लेकिन अभी तक जो व्हीकल है वो नहीं मिला है। आपको कहाँ जाना है? सीकर जाना। सीकर कहाँ से आए हैं? यहीं से, जयपुर से हूँ। तो जयपुर से आए हैं, तो आज का पता था कि जनता कर्फ्यू है, फिर कल क्यों नहीं गए? जी मैं मजदूरी करता हूँ यहाँ पे, इसलिए रात को लेट हो गया था, फिर साधन नहीं मिल पाया मेरे को, इसलिए सुबह से बैठा हूँ मैं 7 बजे से यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए तो लोग काफ़ी परेशान भी है क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। लगातार जो लोग हैं जिस तरह से बता रहे हैं कि किसी ने की कोई ना कोई मजबूरी है जिसके कारण वे रात को नहीं जा पाए और अब यहाँ से जाना चाह रहे हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम रतनगढ़। तो कहाँ से आए हैं? हम नागपुर से आए हैं। बिल्कुल, देखिए तो सभी जो लोग हैं ऐसा नहीं है कि किसी ने जनता कर्फ्यू का कोई जो रूल तोड़ने की कोशिश करता हो या ऐसा चाह रहा हो कि जानबूझकर जो नियम है उनको तोड़ा जाए, लेकिन ये जो सभी लोग हैं काफ़ी दूर से आए हैं, कोई नागपुर से आया हुआ है, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई रात को मजदूरी करके और यहाँ पर आया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लोग कुछ परेशान हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी से निपटने की जो सभी लोग हैं काफ़ी पेशेंस है, सब लोग आराम से बैठे हैं और इंतज़ार करें कि कोई ऐसा प्राइवेट व्हीकल उन्हें मिल जाए या कोई ऐसा साधन उन्हें मिल जाए जिससे वे अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंच सके, तो यही उम्मीद है। लेकिन कोरोना से जंग जीतने के लिए सभी लोग तैयार नजर आ रहे हैं। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।